नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 5 माह से वेतन नहीं, आदित्यपुर स्थित जीएमटी ऑटो कंपनी के कामगार धरने पर बैठे। एक तरफ चेकिंग अभियान तो दूसरी ओर दिन दहाड़े छिनतई। साक्षी में महिला से 20,000 रुपयों से भरा बैग लूटकर बाइक सवार फरार। हजारीबाग में रूपेश पांडे और कर्नाटक में हर्षा की नृशंस हत्या पर बजरंग दल का गुस्सा फूटा। एएसआई की टिप्पणी से बौखलाए आपसू छात्र नेता ने मांगो थाना के बाहर किया प्रदर्शन। और शहर में नेशनल क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन, देश भर के 250 से ज्यादा प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अवस्थित जेएमटी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के कामगारों ने पिछले 5 माह के बकाए वेतन और 15 माह से लंबित पीएफ और ईएसआई की मांग को लेकर काम ठप कर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कंपनी प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जेएमटी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के कामगारों ने पिछले 5 महीने से बकाया वेतन और 15 महीने से बकाया पीएफ और ईएसआई की मांग को लेकर प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि एक जमाने में इंडस्ट्रियल एरिया के सबसे पुराने और बड़े औद्योगिक समूह जीएमटी ग्रुप में काम करने के लिए लोग ललायत रहते थे। बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक और ब्यूरोक्रेट्स यहाँ अपने लोगों को नौकरी पर रखने की पैरवी करते थे, मगर आज कंपनी के कामगार और मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। बीते 5 महीने से यहाँ के लगभग 800 मजदूरों को न तो वेतन मिला है, न पीएफ ईएसआई का लाभ। हताश निराश मजदूर बेबस होकर कंपनी परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। उस पर 22 आदमी का पेमेंट बढ़ा दिया गया, और ऐसा वैसा नहीं, 15,000-20,000 ऐसे करके बढ़ाया गया। कंपनी की स्थिति इससे पहले बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। 30 से 35 करोड़ का सेल हम लोग मंथली यहाँ करते थे। वो पैसा मैनेजमेंट कहाँ लेके गया, इसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन हो गए, भुखमरी की हालत में आ गए, क्यों ऐसा? शहर में एक तरफ पुलिस अपराध पर नियंत्रण करने के लिए सड़कों पर चेक नाका लगाकर अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर साक्षी में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 उच्चकों ने स्कूटी सवार महिला का पर्स छीन लिया। इस क्रम में महिला गिरकर घायल भी हो गई। महिला के पर्स में 20,000 रुपये नकद थे। शहर में बेलगाम अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बीते हफ्ते तांडव मचाने के बाद पुलिस प्रशासन सुरक्षा और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर तमाम प्रयोग कर रही है, मगर अपराधी हैं कि एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बुधवार को फिर से अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी, जहां मानगो जाकिर नगर की दंपति से साक्षी थाना अंतर्गत एमजीएम अस्पताल के नेट के समीप बाइक पर सवार बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि शमा परवीन नामक महिला अपने पति के साथ साक्षी बाजार से लौट रही थी। इस बीच एमजीएम अस्पताल के गेट के समीप बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर बैग छीन लिया। इस घटना में महिला घायल भी हो गई है गिरकर, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। महिला के पति के अनुसार बैग में 20,000 रुपये नकद थे। थोड़ा सा गेट का दबा के पीछे से बाइक में 2 लड़का आए हैं, तो हम सोचे कि वो कटिंग करके लड़का लोग तेजी से जाता है तो वो जा रहा होगा। जब चिल्लाई हाथ में पर्स में हाथ ऐसे मारा ना, तब हमको एहसास हुआ, हम तो आगे देख रहे थे, तो मारा हाथ में तो चिल्लाई तो नहीं दी, तो फिर वो टाना फिर जोर से झपटा मारा। जब तक हम गाड़ी आस्ते करते वो फेंका गई पीछे, पूरे सर में चोट लगा, पीछे बहुत फट गया और गिर के बेहोश हो गए। जब तक हम चिल्लाए सबको कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब आदमी लोग रोक के गाड़ी इधर ही आ रखो, इसको पकड़ने बहुत चिल्लाया। पर्स में क्या? 20,000 रुपये था, एक मोबाइल था MI A1। हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान रूपेश पांडे की और कर्नाटक में आरएसएस कार्यकर्ता हर्षा के नृशंस हत्या के विरोध में बजरंग दल द्वारा एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा गया है। उनका कहना है कि जानबूझकर देश का माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। झारखंड राज्य के बरही में सरस्वती पूजन के विसर्जन के दौरान भीड़ द्वारा रूपेश पांडे की हत्या एवं कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की क्रूरतम हत्या, प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के विरुद्ध बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध, विष्णु पसंद के कार्यकर्ताओं के पीछे षड्यंत्र करके राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा, जिहादियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा उनकी हत्या की जा रही है।
मानगो थाना के ASI नकुल शर्मा द्वारा की गई कथित रूप से टिप्पणी से बौखलाए आसू छात्र संघ के कोल्हान अध्यक्ष हेमंत पाठक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मानगो थाना के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ASI नकुल शर्मा की टिप्पणी के विरोध में हेमंत पाठक अपने सहयोगी के साथ गुरुवार को मानगो थाना पहुंचे और थाना परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही एक शिकायत पत्र सौंप ASI नकुल शर्मा को बर्खास्त करने संबंधी मांग पत्र सौंपा। एक बोर्ड हटा दिया गया था, इसके संबंध में हम लोग शिकायत करने के लिए कल मानगो थाना परिसर पहुंचे थे और वहां के SI नकुल शर्मा के द्वारा हम छात्रों के साथ में बदतमीजी किया गया, नस्ल भेदी टिप्पणी किया गया और कपड़े को लेकर भी टिप्पणी किया गया। इसी के और साथ में धमकी दिया गया कि तुम लोग पे केस करके जेल में बंद कर देंगे, तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे। यही संबंध में आज सभी छात्र अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए मानगो थाना परिसर पहुंचे थे। टाटा नगर स्टेशन के बाहर जर्जर हो चुकी सड़क की मरम्मतीकरण समेत चार सूत्री मांगों के समर्थन में आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल टाटा नगर स्टेशन के GEN से मुलाकात की। आज हम लोग रेल प्रशासन के सहायक मंडल अभियंता 1 के पास हम लोग एक मांग पत्र लेके आए आजसू पार्टी के नेतृत्व में, जिसमें चार सूत्री मांग है। पहला हम लोग का मांग है जो स्टेशन की मुख्य सड़क, जो स्टेशन रेलवे स्टेशन के समीप मुख्य द्वार के सामने जो गड्ढा की स्थिति बना हुआ है, उसमें आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का गड्ढा, आए दिन लोग उस गड्ढे से गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे जिला प्रशासन और रेल प्रशासन की मिलीभगत से आज जनता यहाँ पर इसका जो खामियाजा भुगत रहा है। आज हम लोग मांग पत्र के माध्यम से ये अवगत कराने आए हैं कि इसके अविलंब इसमें मरम्मत करा के यहाँ के दिव्यांगों को जीवन यापन के लिए सरकार द्वारा पेंशन की राशि दी जाती है। हालांकि राशि बहुत थोड़ी है पर इस पर उनका जीवन निर्भर है, पर पिछले 2 माह से पेंशन की राशि नहीं मिलने से सीताराम दर्रे के रहने वाले सुदामा कुमार सिंह गुहार लेके उपायुक्त के यहाँ पहुँचे। सीताराम डेरा निवासी सुदामा कुमार सिंह पिछले 2 महीने से रुके हुए अपने पेंशन की जानकारी लेने उपायुक्त कार्यालय पहुँचे। सुदामा एक दिव्यांग हैं और उनका जीवन यापन पेंशन पर ही निर्भर है, इसी कारण पिछले 2 माह से रुके पेंशन से उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम सुदामा कुमार सिंह हुआ, हम सीताराम डेरा सलेक रोड से आए हैं। किस लिए? 2-3 महीना से हमारा पेंशन रुका हुआ है, उस विषय में हम जानकारी लेने आए। ब्लाइंड आदमी है सर और एक तो पेंशन हमारा सहारा है। GRT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है जो 26 फरवरी तक चलेगी। प्रतियोगिता में देश भर के 250 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लाइंबर रुद्रा करण दीकर बिन नंबर 72। को शुरू हो गया, ये कंपटीशन 26 तारीख तक चलने वाला है। ये एक नेशनल लेवल का ओपन कंपटीशन आयोजित किया गया है TSAF की तरफ से, जिसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। तकरीबन 250 से आगे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं जो कि अलग अलग एज ग्रुप्स में है। 4-5 अलग अलग एज ग्रुप्स है, जैसे किड्स है, यूथ डी है, यूथ सी है, यूथ बी है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें, ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीजों को कम एक कीमत पे खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे।
उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, सांची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare. जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिस्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। Elcado Healthcare में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। Elcado Healthcare ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडियाट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। Elcado Healthcare, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280-44446, 47, 48 and 49। हमारा ईमेल आईडी है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन, आपकी खूबसूरती पर चार चांद लगाने, अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर ए, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271-99046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफायती और लजीज,
चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस? ढकीडी, ढकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। ढकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। All types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.